लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से कई शहरों में जलभराव हो गया है। वही उज्जैन बड़नगर में रात भर से हो रही बारिश के कारण अहमदाबाद से आ रही यात्री बस जो इंदौर जा रही थी वह बड़नगर हीरो शोरूम के पास फंस गई, क्योंकि पुलिया पर पानी ज्यादा था और बस आधी पानी में डूब गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति बड़नगर और उनकी टीम द्वारा रेस्क्यू करके 18 लोगों को डूबने से बचाया गया। सर, आज जैसे ही पानी की बारिश शुरू हुई और प्रशासन पहले से सतर्क हो गया सर, इसका कुछ इसके बारे में बोलेंगे सर? कल मौसम विभाग के द्वारा ये बताया गया था कि अत्यधिक वर्षा होने की गुंजाइश है, इसलिए ईसा में नगर परिषद और हम सभी जन सुबह से घूम रहे हैं, वो जहाँ जहाँ पे पानी का भरा हुआ है उसकी निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं। सर, अभी कहीं से भी शिकायत आई है सर पानी भराव की? हमारे आदरणीय SDM साहब ने बताया था कि अपन सब जने मिल के करते हैं, वो उनके निर्देशन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, अभी कहीं की पुलिया या पुल पे पानी आया सर? भाई ये हाल अपनी जो है इस पे पानी जो है इसके ऊपर पानी भरा हुआ है, रास्ता बंद है, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने जो है उसको अपने जवान लगा दिए हैं तो लोगों को रोक सके तो पानी कर। सर, प्रशासन सुबह से ही लग गए अपने काम पे। हाँ जी, इसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, कर्तव्य पालन कर रहे हैं अपना अपना। वहीं मां अहिल्या की नगरी तराना में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए। लंबे इंतजार के बाद उज्जैन जिले में रात भर से हो रही तेज बारिश ने गर्मी से राहत भी दी है। गजानन जी के नगर आगमन से खुशी का माहौल भी देखने को मिला। दूसरी ओर दो दिन से हुई बारिश से प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं।